नमस्कार मित्रों, मैं अश्विनी कुमार कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय, जिसके तहत हड़प्पा सभ्यता का स्थिति विस्तार हमने पढ़ा था। इस दूसरे पार्ट में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, एक तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, दूसरा हड़प्पा सभ्यता की तिथि और हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम तथा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किन लोगों के द्वारा की गई थी, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो थी उस समय, उस संस्कृति में किन लोगों का निवास था, इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है उसके कौन कौन से नाम हैं, या हड़प्पा सभ्यता इसको किन किन नामों से जाना जाता है, और अलग अलग जो नाम है उन नामों के पीछे जो कारण है वो कारण क्या रहे, इसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता, या अपन इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था और सर्वप्रथम ये नाम कब दिया गया था और नाम देने के पीछे कारण क्या था। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम था वो हड़प्पा सभ्यता को सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल के द्वारा 20 सितंबर 1924 को लंदन की जो पत्रिका थी, लंदन की जो मैगजीन थी द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन, उस लंदन की पत्रिका में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को विश्व के साथ में इंट्रोड्यूस करवाते हुए इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी की घाटी में स्थित होने के कारण इसका नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को नाम देने वाला जो इतिहासकार था वो कौन था? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने वाला इतिहासकार कौन था? सर जॉन मार्शल। और मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, और प्रथम स्थल जिसका उत्खनन हुआ था वो था हड़प्पा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता, इस सभ्यता को जो नाम प्रदान किया गया था वो किया गया था मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर जिन्होंने इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता का, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। कहाँ से? मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है? सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। तो पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। दूसरा नाम सैंधव सभ्यता किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में एक नाम हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको नाम क्यों दिया गया था? मार्शल ने पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता दिया, उसके पीछे कारण था कि ये जो सभ्यता थी इसके प्रारंभिक स्थल जिनका उत्खनन हुआ था वो सिंधु नदी की घाटी में स्थित थे। लेकिन बाद में जब लगातार इसके और अलग अलग क्षेत्रों का या अलग अलग जो स्थल है उनकी जानकारी प्राप्त हुई तो वो सिंधु नदी की घाटी से भी विस्तृत, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इनका जो विस्तार था वो भारत के गुजरात में और महाराष्ट्र में तथा उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान तक होने के कारण, यानी कि सिंधु नदी की घाटी के बाहर भी इनका विस्तार होने के कारण इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नामकरण इस सभ्यता के उत्खनित प्रथम स्थल के आधार पर हड़प्पा सभ्यता किया। यानी कि पहला स्थान जिसका उत्खनन हुआ था वो कौन सा था? हड़प्पा था। इसके आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता को क्या नाम प्रदान किया? हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को नाम प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, इस सभ्यता का एक और नाम मिलता है नगरीय सभ्यता। अब देखो, नगरीय सभ्यता क्या होती है? वास्तव में सभ्यताएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण सभ्यता और दूसरी सभ्यताएं तीन प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण सभ्यता,
दूसरी शहरी सभ्यता और तीसरी नगरीय सभ्यता। सभ्यताएं कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की सभ्यताएं होती है। पहली ग्रामीण सभ्यता, दूसरी शहरी सभ्यता और तीसरी नगरीय सभ्यता। अब देखो ग्रामीण सभ्यता का तात्पर्य क्या, और ग्रामीण सभ्यता से अभिप्राय सभ्यता में लोगों की जो आजीविका है, यानी कि लोगों की जो अर्निंग का जो सोर्स है वो केवल और केवल क्या होता है, कृषि, या अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर होता है। तो ग्रामीण सभ्यता की परिभाषा यदि पूछे तो लोगों की आजीविका का स्रोत हम किसे कहेंगे, कृषि को कहेंगे। शहरी यदि अपन बात करें शहरी सभ्यता या सिविलाइजेशन की, तो शहरी से तात्पर्य जिसमें कृषि के स्थान पर किसको आजीविका के स्रोत के रूप में शामिल किया जाता है, व्यापार को शामिल किया जाता है। यानी कि शहरी जो सिविलाइजेशन है उसमें लोगों की आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो किसको माना जाता है, व्यापार को माना जाता है। और तीसरा नाम आता है नगरीय सभ्यता का, यानी कि नगरीय सभ्यता ए मिक्सर ऑफ रूरल एंड अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि शहरी और ग्रामीण सभ्यता दोनों का जो मिक्सर है उसे हम क्या कहेंगे, नगरीय सभ्यता कहेंगे। यानी कि नगरीय सभ्यता में आजीविका कृषि पर आधारित भी होती है। किस पर आधारित है? कृषि पर भी आधारित है, प्लस साथ ही साथ इस सभ्यता में व्यापार भी आजीविका के साधन के रूप में शामिल होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, और भारत का जो द्वितीय नगरीय सभ्यता है वो महाजनपद काल को कहा जाता है। यानी कि प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और द्वितीय नगरीय सभ्यता महाजनपद काल। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता शहरी या नगरीय ना होकर के किस प्रकार की थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि आर्यों के द्वारा जो वैदिक सभ्यता स्थापित की गई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, एक तो यहाँ पर जो स्थल प्राप्त हुए हैं उन स्थलों में व्यापारिक स्थल भी प्राप्त हुए, दूसरा यहाँ का जो नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन जिसमें अपन कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी नालियाँ, जैसे शहरों में वर्तमान समय में बड़ी बड़ी नालियाँ, वैसी नालियाँ गाँवों में तो होती नहीं है, तो प्राचीन काल में जो भी नगर प्राप्त हुए थे उनमें बड़ी बड़ी नालियाँ प्राप्त हुई थी। नालियों के ऊपर ढकने की व्यवस्था, नालियों में अंदर लीकेज ना हो इसके लिए पूरी पैकिंग वगैरह की व्यवस्था थी। इसके आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता का नाम दिया, नगरीय सभ्यता का नाम दिया। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इस सभ्यता का एक और नाम मिलता है ताम्रपाषाणिक सभ्यता। ताम्रपाषाणिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों के द्वारा पाषाण के साथ में ताम्र धातु के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था, अतः ताम्र और पाषाण दोनों उपकरणों का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को ताम्रपाषाणिक सभ्यता कहा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखो कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के दौरान तांबा तथा टिन धातु को मिलाकर के एक नवीन धातु की खोज की गई थी कांसा, और इस कांसे के उपकरणों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था, और कांसा है उसका अधिक प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मातृसत्तात्मक सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी, ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यानी कि इसमें जो माँ या देवी है उसका उचित स्थान होता था और वो पूजनीय होती थी। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि जैसे कि वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का जो नाम है वो नामकरण उसके पिता के नाम के आधार पर किया जाता है। किंतु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अधिकाधिक देवी की मूर्तियां प्राप्त होने के कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में परिवार कैसा होता था, मातृसत्तात्मक होता था, जबकि वैदिक सभ्यता में परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता था। तो नामकरण एक बार वापस हम रिवाइज करेंगे, सबसे पहले सैंधव सभ्यता, नाम सैंधव सभ्यता किसके द्वारा दिया गया था, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। जानकारी कहाँ से मिलती है, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड से। मार्टिमर व्हीलर की किताब का नाम क्या, सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली एंड बियॉन्ड। फिर इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, इसको किसने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा था सर जॉन
मार्शल ने कहा था कब, 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड न्यूज ऑफ लंदन नामक जो लेख था उसमें। फिर इसके बाद में इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो उत्खनन में अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेषों में कृषि के साथ में व्यापार भी आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में शामिल होता था, और साथ ही साथ जो नगर का नियोजन था, जो लोगों के रहने का जो तरीका था वो शहरों की तरह या नगरों की तरह मिलता जुलता था। फिर इस सभ्यता को हम ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के दौरान तांबे के साथ में पाषाण के उपकरणों का भी प्रयोग आम जनता के द्वारा या निवासियों के द्वारा किया जाता था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, और कांस्ययुगीन सभ्यता कहने के पीछे कारण है इस सभ्यता के दौरान तांबा तथा टिन धातु को मिलाकर के कांसा धातु है उसका निर्माण किया गया। और ये जो सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यदि पूछ ले हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, तो हमारी रिप्लाई होनी चाहिए मात्र सत्तात्मक। जबकि वैदिक सभ्यता के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। नेक्स्ट इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे तिथि और कालक्रम। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नामकरण के बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि और कालक्रम के बारे में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इस सभ्यता की तिथि के बारे में एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है उसका संबंध कितने वर्ष पहले का है, यानी कि इसकी अवधि या इसका जो कालक्रम है वो क्या था। यदि अपन हड़प्पा सभ्यता की तिथि और कालक्रम की बात करते हैं तो चार महत्वपूर्ण तिथियाँ जिनका हमें अध्ययन करना है या जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए जब भी एग्जाम में पूछा जाए, तो सामान्यतः इन चार में से किसी एक तिथि के बारे में पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाता है स्पष्ट पूछा जाता है कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अवधि के बारे में, तो इसमें से जो चार महत्वपूर्ण अवधियाँ हैं उनमें सबसे पहली अवधि है सी चौदह पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अवधि। दूसरी मार्शल के अनुसार, यानी कि मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की अवधि जो निर्धारित की है। तीसरी विलर के अनुसार, और चौथी सीजे गेंड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अवधि। ये जो चार महत्वपूर्ण तिथियां हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जिनका हमें अध्ययन करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे सर जॉन मार्शल के अनुसार। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लगा करके 2750 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है वो हड़प्पा सभ्यता की अवधि निर्धारित की गई। यानी कि सर मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः विकसित होकर के और पतन होने तक लगभग 500 वर्षों का समय लगा था। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पे थी तो उस चरम अवधि को 500 वर्ष निर्धारित किया है जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल के द्वारा ये जो अवधि निर्धारित की गई थी, इस अवधि के निर्धारण के लिए जिन साक्ष्यों का इन्होंने प्रयोग किया, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के आधार पर, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनके आधार पर इस कालक्रम का निर्धारण किया है या इस कालक्रम की गणना की है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मार्टिमर व्हीलर की। तो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की अवधि का निर्धारण किया गया। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो लगभग 1000 साल का निर्धारित किया है। तो 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1500 ईसा पूर्व तक की अवधि विलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सामान्यतः स्वीकृत अवधि मानी जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीजे गेंड के अनुसार। तो सीजे गेंड जो एक सिक्कों के अध्ययन शास्त्री थे, इनकी जो महारत थी वो थी सिक्कों का अध्ययन करने की। इन्होंने 30 से अधिक सिक्कों का अध्ययन किया, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त 30 से अधिक मुद्राओं का अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर सीजे गेंड ने 2350 से लगा करके 1750 तक की जो अवधि है वो हड़प्पा सभ्यता की निर्धारित की है। यानी कि सीजे गेंड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता
पूर्णतः विकसित होकर के पतन तक अग्रसर होने में लगभग 600 वर्ष तक का जो काल या समय है वो निर्धारित करती है। फिर इसके बाद में हम एक बार अरे यार उधर पानी पी लिया, काट दे उधर पानी पी लिया। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे चौथी और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि C14 कार्बन पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की अवधि व कालक्रम का निर्धारण। हम बात करते हैं C14 पद्धति के बारे में यानी कि रेडियो कार्बन 14 के आधार पर सर्वप्रथम विलार्ड लिब्बी के द्वारा जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, उस कार्बन की उपस्थित मात्रा के आधार पर उनके समय या उनकी अवधि का निर्धारण किया गया। भारत में C14 कार्बन पद्धति के आधार पर भारत की जो हड़प्पा सभ्यता इसकी अवधि का निर्धारण करने का जो श्रेय है वो DP अग्रवाल को जाता है। हम विस्तृत अध्ययन करेंगे C14 कार्बन पद्धति का। इससे पहले C14 कार्बन पद्धति के अनुसार लगभग 550 वर्षों तक की अवधि को हड़प्पा सभ्यता की चरम अवधि माना गया है जो 2300 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक चलती है यानी कि 2300 BC से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है उस अवधि को C14 कार्बन पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अवधि निर्धारित किया गया है। हम बात करते हैं C14 कार्बन पद्धति के बारे में तो C14 कार्बन पद्धति वास्तव में होती क्या है और C14 कार्बन पद्धति के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता की अवधि है वो क्या निर्धारित की गई थी। तो C14 कार्बन पद्धति यानी कि ये जो सृष्टि है इस सृष्टि में अलग अलग छोटे छोटे कई अणु नाइट्रोजन प्रोटोन न्यूट्रॉन वगैरह उपलब्ध रहते हैं तो इनमें हम बात करते हैं सृष्टि में तीन कार्बन के आइसोटोप होते हैं। एक होता है C12, C13 और C14। इनमें से C12 और C14 महत्वपूर्ण है। C12 और C14 प्रत्येक सजीव में पाया जाता है। प्रत्येक सजीव में C12 और C14 की मात्रा पाई जाती है। C12 इसकी मात्रा स्थिर होती है। C12 की मात्रा कैसी होती है? स्थिर होती है, जबकि C14 परिवर्तनशील यानी कि परिवर्तित होता रहता है। अब जब ये C14 यहाँ पर वायुमंडल में पाया जाता है और सूर्य की एनर्जी से जब ये यहाँ से टूट करके बिखरता है तो पेड़ पौधों के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। अब पेड़ पौधों ने C14 को अवशोषित कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब C14 पेड़ पौधों के द्वारा जो भी जानवर वगैरह उनमें जाएगा, अब इस जानवर के द्वारा या इस जानवर को जिस भी जानवर के द्वारा खाया जाएगा या इंसान के द्वारा खाया जाएगा या ये गोबर वगैरह करेगा तो जानवरों में चला जाता है और जब जानवरों का भक्षण अन्य जानवरों के द्वारा किया जाता है तो C14 की मात्रा उसमें पहुंच जाती है। अब जब इस सजीव की मृत्यु हो जाएगी तो सजीव की मृत्यु के बाद में C14 कार्बन जो है उसकी मात्रा डिक्लाइन करना प्रारंभ कर देती है और ये जो डिक्लाइन यानी कि कमी की जो अवधि होती है वो होती है 5730 साल यानी कि 5730 वर्षों में C14 है वो घटकर के आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा हो जाता है यानी कि C14 को आधा होने में कितना समय लगता है? 5730 साल। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल C14 की मात्रा है 100, कितनी है? 100 है। अब इसको 50% होने में कितना समय लगेगा? 5730 साल। अब इसको 25% यानी कि 1/4 होने में कितना लगेगा? फिर 5730 साल। यानी कि अपन कह सकते हैं 11460 सालों में C14 की मात्रा उस अवशेष में घटकर के 1/4 यानी कि 25% रह गई है। कितनी रह गई है? 25%। यानी कि किसी भी निर्जीव में या किसी अवशेष में 25% C14 की मात्रा पाई जाती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस निर्जीव की जो मृत्यु है या इसकी अवधि है वो लगभग कितने वर्षों तक रही होगी? 11460 साल इसकी अवधि
रही होगी। तो इस आधार पर C14 कार्बन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की अवधि 2300 ईसा पूर्व से लगा करके और 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, जिन लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया गया, जिन लोगों के द्वारा इस संस्कृति को विकसित किया गया, वो लोग वास्तव में आए कहाँ से थे, इसके संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कई इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जिन लोगों के द्वारा बनाई गई थी वो वास्तव में जो आर्यंस थे वही थे, लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, आर्यंस ना होकर के वो अन्य लोग थे। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में सामान्यतः दो सिद्धांत स्वीकृत है, एक देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में सामान्यतः स्वीकृत दो सिद्धांत। पहला विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का है देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत, अब हम पहले बात करते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सामान्यतः विदेशी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया था, जिनमें हम नाम लेते हैं मार्शल। विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया गया था मार्शल, व्हीलर, मेके और डीडी कौसाम्बी के द्वारा। डीडी कौसाम्बी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की एक समकालिक सभ्यता थी ईरान, या जो अपने ईरान या जो सुमेरियन क्षेत्र था जहाँ पर विकसित हुई थी, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हमें बताता है यानी कि मार्शल, मेके या व्हीलर या डीडी कौसाम्बी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो सांस्कृतिक विसरण के आधार पर मानी गई है। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सांस्कृतिक विसरण को बताता है, सांस्कृतिक विसरण को बताता है, यानी कि सांस्कृतिक विसरण से अभिप्राय दजला और फरात नदियों के मध्य जो सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई थी, उस सुमेरियन सभ्यता के लोगों का धीरे धीरे व्यापार प्रारंभ हुआ और वो आकर के जो बलूची संस्कृति के लोग थे या अन्य जो लोग यहाँ पर रहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में, उन लोगों के साथ में उनका व्यापार प्रारंभ हुआ और उस व्यापार के साथ में धीरे धीरे लोग वहाँ से आकर के यहाँ पे बसने लगे और उस जो सुमेरियन सभ्यता थी उन्हीं लोगों के द्वारा इस सभ्यता को यानी कि हड़प्पा सभ्यता है इसको विकसित किया गया। ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि एक संस्कृति जो वहाँ से बिखरी और बिखर करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चौंदड़ो इन क्षेत्रों में आकर के और विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, ये सिद्धांत सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत कहलाता है। और विदेशी उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सांस्कृतिक विसरण से माना गया है। अब सांस्कृतिक विसरण में हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक विसरण के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग वक्तव्य या ओपिनियन दिए, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर केमर की। तो प्रोफेसर केमर के अनुसार, प्रोफेसर केमर के अनुसार सबसे पहले 2400 ईसा पूर्व में यानी कि 2400 BC 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन सभ्यता के लोग, कहाँ के लोग, सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं वो वहाँ से निकले और निकल करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे
और आकर के जो सिंधु नदी है इस सिंधु नदी की घाटी में आकर के रहने लग गए। यानी कि सबसे पहले केमर के अनुसार सबसे पहले लोग कब निकले थे सुमेरियन संस्कृति से, 2400 ईसा पूर्व में, और आकर के कहाँ पर रहने लगे, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आकर के निवास करने लगे। अब इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए प्रोफेसर व्हीलर ने लिखा है कि इस आधार पर भी सांस्कृतिक विसरण सिद्धांत को मान्यता प्रदान की जा सकती है कि जिन सातीरों का प्रयोग सुमेरियन सभ्यता में मिलता है उन्हीं सातीरों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त हुआ है। तो व्हीलर के अनुसार, देखो व्हीलर है वो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सांस्कृतिक विसरण को या सुमेरियन सभ्यता से जोड़ते हैं, इसके संदर्भ में व्हीलर ने साक्ष्य दिया। और व्हीलर ने कहा कि साहब जब हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की तो वहां पर जो सार्वजनिक अन्नागार प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, सार्वजनिक अन्नागार। अब देखो अन्नागार जब अपने बनाते हैं, अन्नागार जस्ट लाइक अपने गांव वाली भाषा में हम कह सकते हैं भकारी, जब अपन भकारी बनाते हैं तो भकारी में क्या होता है, पार्टीशन होता है कि नहीं होता है, अलग अलग भागों के रूप में बांटा जाता है। तो ये जो पार्टीशन किया गया था, यानी कि अब जब हम भकारी बनाएंगे उसके अलग अलग पार्टीशन करेंगे तो हम प्रयोग करेंगे फंटों का, किसका प्रयोग करेंगे, फंटों का। अब ये जो फंटे लगे हुए थे इन फंटों को कहा जाता था साहतीर, क्या कहा जाता था, साहतीर। तो प्रोफेसर व्हीलर है वो क्या कहता है कि जिन साहतीरों का प्रयोग सुमेरिया और मेसोपोटामिया, सुमेरियन और मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलता था उन्हीं सातीरों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो सार्वजनिक इमारतें या अपन कह सकते हैं विशाल अन्नागार जो बनाए गए थे, उन अन्नागारों में भी उन सातीरों का या फंटों का प्रयोग किया गया था, जिसके आधार पर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता से माना है और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रदान किया गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं गार्डन चाइल्ड के अनुसार। अब गार्डन चाइल्ड हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी सांस्कृतिक विसरण से या विदेशी उत्पत्ति से जोड़ते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार की 3:2:1 की ईंटों का प्रयोग सुमेरियन और मेसोपोटामिया सभ्यता में होता था, उसी अनुपात की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर होना यह दर्शाता है कि इस सभ्यता का उद्भव सामान्यतः सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एचडी सांकलिया। तो एचडी सांकलिया के अनुसार एचडी सांकलिया ने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका समर्थन किया, और उस समर्थन में इन्होंने एक चीज जोड़ी कि साहब एक तंदूरी चूल्हा हमें प्राप्त हुआ है। तो एच डी सांकलिया ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ में या सांस्कृतिक विसरण के साथ में जोड़ा है, और जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि एक तंदूरी चूल्हा प्राप्त हुआ है। कौन सा चूल्हा प्राप्त हुआ है, तंदूरी चूल्हा। अब जो तंदूरी चूल्हा है यह प्रारंभिक या देन है ईरानी संस्कृति की, कौन सी संस्कृति की, ईरानी संस्कृति की। तो ईरानी संस्कृति में जो तंदूरी चूल्हे प्राप्त होते थे, इसी प्रकार का एक तंदूरी चूल्हा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से, जो एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे का मिलना इस बात का साक्ष्य है कि ये ईरानी संस्कृति का ही विसरण है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर केमर मार्शल व्हीलर और एचडी सांकलिया ने जो अलग अलग साक्ष्य दिए उनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है वो विदेशी संस्कृति के विसरण से माना गया है। और कई जो विद्वान या कई जो इतिहासकार है उन्होंने मार्शल और इस विदेशी सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है, और खंडन करते हुए अपनी तरफ से जो अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत किए जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, हड़प्पा सभ्यता की देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में जिन सिद्धांतों को हम शामिल करते हैं, एक तो आर्यंस ही हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, दूसरा बलूची संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास, तीसरा द्रविड़ों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास किया गया, या द्रविड़ हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को मोटिवेट करो कि भाई वो
चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमारी वीडियोस जो चैनल से प्राप्त हो रहे हैं उनको पढ़ करके और अपने जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करें। थैंक यू।